जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th, एक्सरसाइज 7.4, क्वेश्चन नंबर 2. इंट्रोडक्शन आई हैव गिवन ऑलरेडी इन माय प्रीवियस वीडियो ऑफ कॉम्बिनेशन एज वेल एज परम्यूटेशन. परम्यूटेशन तो बहुत पहले हो गया था, कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन भी हम दे चुके हैं. तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2. ओके, फर्स्ट पार्ट. 2NC3 is 2NC3 is equal to 12 is to 1. रेशो है ये, है ना. रेशो मतलब अनुपात, अनुपात मतलब तुलना, है ना. तो दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस. ओके, तो पहले अपॉन में लाने से पहले हम इसको ओपन करते हैं. ओके, आपको याद है ना एनसीआर क्या होता है. एनसीआर होता है फैक्टोरियल एन. तो यहाँ पर मेरा 2n है. फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर. यहाँ पर आर मेरा है 3. तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर. ये होता है बेटा फॉर्मूला. तो हमने फॉर्मूला लगा दिया. अभी इस टू के साइन को इस टू ही रहने दो. ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 3 और फिर साथ में होगा एन माइनस 3. ये मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा दिया, सिर्फ मैंने फॉर्मूला लगा कर इनको ओपन कर दिया है. तो ये हो जाएगा 12 is to 1. ओके, अब जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत पहले आया था परम्यूटेशन में, तब मैंने ये चीज़ बोली थी आपको, दोबारा सुन लो कि छोटी क्लासेस में अगर a प्लस बी डिवाइडेड बाय c अपॉन d होता था तो हम क्या करते थे, इस भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित कर देते थे, है ना, और c अपॉन d का उल्टा कर देते थे. यही तो तरीका हमको हमारे टीचर्स सिखाते हैं. तो वही चीज़ अब यहाँ पर रिपीट करनी है. ये एक तरह से डिवीजन ही तो है बेटा, ये आपको भाग देना है. तो अब इस भाग देने के चिन्ह को हम अगर गुणा के चिन्ह में चेंज करें, परिवर्तित करें, तो इस नंबर का हमको रेसिप्रोकल लेना होगा. दैट मीन्स रूट 3 ऊपर फैक्टोरियल थ्री एंड फैक्टोरियल एन माइनस 3 ऊपर पहुंच जाएगा, फैक्टोरियल एन नीचे आ जाएगा. यहाँ पर तो सिंपल 12 upon 1. ठीक है, अब बहुत ध्यान से, सबसे पहले तो इसको हटाई दो, कैंसिल हो गया ये. यहाँ बेटा 2n है फैक्टोरियल और यहाँ पर है 2n-3. तो यहाँ से कुछ बाहर लेकर कम किया जा सकता है, 2n-3 तक आया जा सकता है. तो एक तो अगर मैं 2n बाहर ले लूँ तो क्या रह गया, 2n-1 रह गया. 2n-1 को भी लेना पड़ेगा, फिर क्या रह गया, 2n-2. अब 2n-2 को भी लेना पड़ेगा, तब जाकर 2n-3 तक आप पहुंच पाएंगे. तो इस फैक्टोरियल 2n में से आप 2n, 2n-1 और 2n-2 आउट कर देंगे. फिर आपके पास जो बचेगा वो होगा फैक्टोरियल 2n-3 और अपॉन में पहले से है फैक्टोरियल 2n-3. इसकी वजह से तो हमने ऐसा किया था. इनटू में कौन है, देखो यहाँ पर क्या है बेटा, फैक्टोरियल n माइनस 3 है. कुछ बच्चे मुझसे पहले कर भी लेंगे क्वेश्चन को. यहाँ पर क्या है, फैक्टोरियल n. यहाँ से आप बाहर निकालो क्योंकि ये बड़ा है. तो फैक्टोरियल n माइनस 3 को तो एज इट इज रख लो, अपॉन यहाँ से एक आपने लिया n बाहर, क्या बच गया n माइनस 1, उसको भी लेना पड़ेगा. अब क्या रह गया, n माइनस 2, वो भी लेना होगा, तब जाकर n माइनस 3 तक आप पहुँच पाओगे. इज इक्वल टू वॉट, 12 upon 1. सफाई से करना, स्पेस की टेंशन नहीं करना. कई जगह हम खुद कहते हैं जगह बचाइए, कागज़ बचाइए, पेपर बचाइए, पर्यावरण बचाइए, मगर कई जगह खुद को बचाइए. गड़बड़ हो गई ना तो बस फिर गए. यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो गया, है ना, और फिर ये कैंसिल हो गया. जो कैंसिल हो रहा है उसको तो कर ही दो. एक देखो बेटा एन कैंसिल हो रहा है, कर दिया जाए. अब देखते हैं क्या होता है. यहाँ से एक तो 2, फिर यहाँ पर क्या, 2n-1. यहाँ पर आपको 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, क्या बच गया, n-1. और तो ऊपर कुछ नहीं है, नीचे आ जाओ. यहाँ पर क्या है बेटा, एक तो n-1 है और n-2 इज इक्वल टू 12 upon 1. लीजिए एक और चीज़ कैंसिल. अब ये 2 2's are 4, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 8n-4 बन गया.
और ये n माइनस टू इधर 4 को यहाँ से कैंसिल कर सकते थे, आपकी चॉइस रहती है, कोई बड़ा इशू नहीं है। n माइनस टू को यहाँ ले गए 12n माइनस 24, ओके। तो फाइनली कितना हो जाएगा, माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस 20, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 5। एक भला सा उत्तर आंसर हमारा आ गया, ठीक है। नाउ सेकेंड, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिख लिया, ये रखा है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रही हूँ, अभी ये है आपका 2NC3 इज टू NC3, दिस टाइम सेम तो है बेटा, एकदम सिमिलर है, बस ये 12 था, ये 11 है, और तो कुछ भी नहीं है। तो क्या मैं इसको यहाँ तक ले लूँ, यहाँ तक ये पूरा सेम आएगा, एकदम सिमिलर, देख लो ना 2NC3 देख लीजिए, एकदम सेम है, तो इतना मैं कवर कर सकती हूँ, है ना। ये आप करेंगे, आप तो अपनी कॉपी में पूरा करेंगे, मेरे पास क्या बचेगा, देखो इतना सब थोड़ा नीचे करती हूँ, ये सब आप कर लेंगे, ठीक है। अब मेरे पास एक तो यहाँ रहेगा 2, फिर ये रहेगा चलो 4, ठीक है, 2 2 4 और 2n-1, ओके ये रह गया मेरे पास न्यूमरेटर में, अपॉन में क्या है n-2 ओनली, और सामने क्या होगा 11/1 दिस टाइप, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 8n-8 और 11n-22, तो ये हो गया -3n और इज इक्वल टू व्हाट, माइनस, जस्ट अ मिनट, इट शुड बी 4, 8n-4, ओके। सो ये हो जाएगा आपका -18, ओके। तो आपका n कितना आ गया दिस टाइम, 6, गॉट इट। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। देखिए, हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ओके। अभी देखो कॉर्ड्स है, यानी जीवाएं हैं, कॉर्ड्स, एक बार हिंदी में भी पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। इसमें कोई आपको नहीं भी बोलेगा ना, तो आपको अंडरस्टूड है कि ये कॉम्बिनेशन का सवाल है। बेटा देखो, ये एक सर्कल अगर है और इसके बाउंड्री पर दो पॉइंट्स हैं ए और बी, जॉइन करने से एक ही कॉर्ड बनती है। आप ए को बी से जॉइन कर रहे हो या बी को ए से, डजंट मैटर, गॉट इट। तो यहाँ पर परम्यूटेशन का काम नहीं है, ए को बी से जॉइन करना अलग बात और बी को ए से जॉइन करना अलग बात नहीं है, सेम है, इसलिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कितने पॉइंट्स हैं, आप लिखने वाले काम तो कर ही लेंगे, खुद आपको बोला मैंने, टोटल पॉइंट्स कितने हैं बेटा 21, और कॉर्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, ओनली 2, एक जीवा बनाने के लिए केवल 2 बिंदुओं की आवश्यकता है, 2 बिंदुओं को जोड़ दोगे तो जीवा बन जाएगी, कॉर्ड बन जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे नंबर ऑफ कॉर्ड्स, जीवाओं की संख्या कितना, 21C2, दैट्स ऑल, ठीक है। मैं केवल इसको आंखों से ऑब्जर्व करके इसका आंसर बता सकती हूँ, और वो है 210। इसकी ट्रिक सीखना चाहोगे, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, देखो 21C2, चलो पहले इसको मेथोडिकली कर लेते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, गॉट इट। तो ये हो गया फैक्टोरियल 21, फैक्टोरियल 2 तो 2 ही रहता है, फैक्टोरियल 19, फिर आप क्या करोगे 21 × 20 × 19 एंड 2 × 19 कैंसिल, 2 1s आ ये कैंसिल, तो देखिए 210 आया ना। अब मैंने आपको बोला ना ट्रिक, देखो ट्रिक सीखो, हालांकि कॉम्पिटिशन में सिखाते हैं, अभी हम सिखाते नहीं है, बट आप सीख लो 21C2, तो ये 2 है ना, 21 को 2 स्टेप उल्टा चलाओ तो कितना हो गया 21 × 20, 21 को 2 स्टेप उल्टा चला दो, चला दिया, और ये जो 2 है ये 1 × 2 कर दो, 3 होता तो 1 2 3, मतलब फैक्टोरियल कर देते हैं इसका, तो आ गया ओरल। मतलब आप कंपटीशन देने जाओगे तो ये सब थोड़ी करने बैठोगे, ट्रिक्स आनी चाहिए, है ना। अब आप बोलोगे अगर मैडम 21C ये समझ लीजिए 18 होता तो क्या हम 18 स्टेप उल्टा जाते, तो फिर अपना NCR इज इक्वल टू NCN-R का कब काम आएगा भाई,
याद है ना, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो 21C18 किसके इक्वल हो जाएगा, 21C3 है ना, 21C21 माइनस 18, 21C3। अब क्या करोगे, तीन स्टेप उल्टा, तो 21, 20, 19, गॉट इट, 21 को थ्री स्टेप्स उल्टा खोल दो, और अपॉन में फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6 होता है, 3 2 6 3 7 21 10 7 19 7 171 0170 आ गया, ठीक है, 133। मैं कंफ्यूज हो गई, 19 × 9 सोच लिया एक सेकेंड के लिए, तो 1330 आ गया आंसर, है ना, 19 का टेबल देख लो, 19 7 133 होता है, वो कन्फ्यूजन हो गया, मुझे लगा 19 × 9 कुछ कर ऐसा है, तो ये हो गया बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हम शॉर्टकट्स लगाते हैं जब हम कंपटीशन सीखते हैं। साथ में आ गई चीज़ माइंड में तो बता दी, ऐसा कुछ अर्जेंट, लेकिन आप एग्ज़ाम में तो ऐसे ही करोगे, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 boys and 3 girls बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 boys and 4 girls। हिंदी में भी देख लीजिए, ये बुक मैं थोड़ा हटा दूँ यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4, 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के लिए कितने तरीके हैं, ठीक है। तो कितने लड़के हैं बेटा, 5 boys हैं, है ना, और गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हैं आपकी 4 गर्ल्स हैं, ठीक है, और दोनों 3-3 लेने हैं, ठीक। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर परम्यूटेशन नहीं लगेगा, कॉम्बिनेशन। बच्चों सुनो, हमारी एक्सरसाइज 7.4 चल रही है, हमको मालूम है कि ये कॉम्बिनेशन बेस्ड है, इसलिए हम कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, बट आपको बीच बीच में बता रही हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें कि कब परम्यूटेशन लगेगा, कब कॉम्बिनेशन। एग्जाम में तो रेंडम क्वेश्चन आता है ना, ये थोड़ी बोलते हैं कि 7.4 का क्वेश्चन है ये। तो 5 boys में से भी 3 boys चाहिए और 4 girls में से भी 3 girls चाहिए, ठीक। तो आपका आंसर होगा 5C3 × 4C3, गॉट इट। इंटू क्यों, आपको बता चुके हूँ, इंटू मतलब एंड, 3 लड़के और 3 लड़कियाँ, और मतलब हिंदी वाला और, एंड तथा, 3 लड़के तथा 3 लड़कियाँ, तो एंड में इंटू आता है, या तो 3 लड़के या 3 लड़कियां तो प्लस, दोनों चाहिए तो इनटू, ठीक। लिखने का तरीका आपको बुक में मिल जाएगा, आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं बहुत अच्छे से लिखे हुए होते हैं, वहां से आप देख लेना कि आप इसको कैसे मेंशन करोगे। यहां पर मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ, ओनली कि मेथड्स बता रही हूँ। इसको ओपन किया, फैक्टोरियल 5, अभी मेथड भी लगा सकते हो 5C2 करके, इसको 5C2 करके, है ना, कितना आंसर आ जाएगा बताओ, अच्छा ओपनली ओरली बता दो, 10 आएगा, देखते हैं। ये हो गया फैक्टोरियल 3, ये हो गया आपका 5 माइनस 3, यहाँ पर फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 माइनस 3, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 1, ठीक है। अब ओपन किया 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 को 2 लिख दिया, यहाँ पर 4 बाहर, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, ये देखो ये 2, तो आ गया 10 × 4 दैट इज 40, योर आंसर इज 40, गॉट इट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, इट इज अगेन वेरी सिंपल, मैंने देख लिया था इसको पहले ही। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls. If each selection consists of 3 balls of each color, 9 balls चाहिए, हर कलर की 3 balls होनी चाहिए, 6 लाल रखी हैं आपके सामने, यानी इनमें से 3 लाल लेनी है, 5 white रखी हैं, इनमें से भी 3 white लेनी है, और 5 blue रखी हैं, इनमें से आपको 3 blue लेनी है। तो इससे सिंपल क्वेश्चन कोई क्या बनाएगा भैया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको एक बार हिंदी में भी देख लीजिए, 6 लाल रंग की, 5 सफ़ेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हों। तो जल्दी से डेटा एक बार लिख लूँ मैं,
छः रेड है बेटा, छः रेड बॉल्स हैं, फाइव वाइट बॉल्स हैं, ओके, और जो है फाइव जो है वो ब्लू बॉल्स हैं, ये है, ये आपको डेटा दिया हुआ है। और तीनों कलर की आपको तीन तीन चाहिए, तो रेड बॉल लेने के मेथड्स क्या हो गए, 6C3 है ना। अब रेड है तो रेड तो रेड ही है, कोई भी बॉल हो तो इसमें परमिटेशन का तो लेना देना ही नहीं है, समझते चलना बेटा, यहाँ परमिटेशन क्यों नहीं है, क्योंकि छः रेड है, कोई भी रेड ले लो, उसमें 1, 2, 3 तो लिखा नहीं है, तो तीन रेड ले ली, फाइव में से भी तीन वाइट ले ली, फाइव वाइट में से, और फाइव ब्लू में से भी फाइव ब्लू, थ्री ब्लू ले ली। तो अब इनको आप सॉल्व कर लो, कैसे, अपने मेथड से करने का लालच आता है वो इजी रहता है, बट नहीं, ऐसे नहीं, प्रॉपर वे में। ये हो गया फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 करके देख लेना। 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल 3, एक फैक्टोरियल 3 ऐसे ही रहने दो क्योंकि कैंसिल करने के काम आएगा, दूसरे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू रख दो। यहाँ पर ओपन किया 5 × 4 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 को ऐसे ही रहने दो, फैक्टोरियल 2 को 2 लिख दो। यहाँ पर 5 × 4 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 × 2 ईजी हो रहा है ना, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 6 से 6 भी कैंसिल, तो ये हो गया 20 इंटू, ये 2 कैंसिल 10, ये 2 कैंसिल 10, योर आंसर इज 2000, गॉट इट। सो हेयर कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चंस आई विल टेक इन माय नेक्स्ट वीडियो। वेट टिल देन, जय हिंद।